दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कल हमने जाना था लग्नगत मांगलिक दोष मांगलिक योग कब बन जाता है और लग्न के मंगल का 12 लग्नों पर सभी लग्नों पर क्या प्रभाव रहता है। अब हम आज जानेंगे चतुर्थ भाव का मंगल, चतुर्थ भाव का मांगलिक दोष कब बन जाता है मांगलिक योग और ये कैसा फल देता है। क्या मांगलिक दोष है अगर चतुर्थ में तो आपको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, ये भी जानेंगे। क्योंकि जब योग बन जाता है ये चतुर्थ में रुचक नामक योग बनता है, सिंह लग्न में, तुला लग्न में और मकर लग्न में। अगर ये लग्न है और चतुर्थ का मंगल है तो निश्चित ही रोचक योग है जो कि पंच महापुरुष योगों में है, तो ऐसे में मांगलिक दोष नहीं होता है। और भी कई परिहार हैं जिसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया है और एपिसोड में बताया है, लेकिन अब मंगल की सीरीज चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव का मांगलिक दोष कैसा रहता है प्रभाव चतुर्थ भाव। जैसा कि मांगलिक दोष आप सुनते आए हैं कि मांगलिक दोष हो तो सबसे ज्यादा परेशानी जब बनती है वो शादी में, क्योंकि आपको मांगलिक लड़के से शादी करनी होती है। क्यों करनी होती है, उसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि ऊर्जा अधिक होती है तो उसे झेलने वाला व्यक्ति भी उतना ही ऊर्जावान हो, नहीं तो जिंदगी भर पिटता रहेगा, तड़पता रहेगा, हमेशा प्रताड़ना झेलता रहेगा। उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि दो सेनापति आपस में साथ में खड़े होंगे तभी वो एक दूसरे से सही से बात कर सकते हैं। अगर एक सैनिक है और एक सेनापति तो एक जिंदगी भर दबकर ही रहेगा और प्रताड़ित होगा, क्योंकि आजकल दबना किसी को पसंद नहीं है। इसलिए ये परेशानी तलाक इत्यादि, डिवोर्स इत्यादि भी करा देती है। चतुर्थ का मंगल दोष सबसे ज्यादा खराब माना गया है, सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा माना गया है, क्योंकि चतुर्थ भाव हृदय का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में हृदय और दिल, हृदय जब जल तत्वीय राशि का प्रदर्शन काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि का प्रदर्शन होता है तो मेष लग्न में भी, क्योंकि हम 12 लग्नों पर बात यहां पर विस्तार से ज्यादा नहीं करने वाले लेकिन आपको संक्षेप में बताएंगे कि किस लग्न में ठीक रहता है, तो यहां पर देखा जाए तो विशेषकर मेष लग्न में बहुत ज्यादा ही खराब रहता है, क्योंकि नीच का मंगल हो जाता है तो मंगल दोष यहां पर थोड़ा खराब रहता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको यह देखना है कि मांगलिक दोष आपका है तो शनि इत्यादि कहीं दृष्टि तो नहीं डाल रहे, लेकिन जब नीच का मंगल हो जाता है तो दृष्टि डालने से भी कुछ इतना अच्छा नहीं होता है। अब यहां पर मंगल जब चतुर्थ में बैठता है तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करता है। मेष लग्न में, लग्नों के बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे लेकिन यहां पर कुछ संक्षेप में बताते हैं आपको मंगल चतुर्थ का क्या करता है, आखिर में करता क्या है। हृदय में बैठ करके, क्योंकि जल तत्वीय राशि है, अग्नि तत्वीय ग्रह मंगल है, यहां पर माता का भी भाव है तो चतुर्थ में बैठ करके माता को परेशानी देना, उत्पन्न करना प्रारंभ रखेगा। क्योंकि जब चतुर्थ में मंगल होगा तो कहीं ना कहीं माता के प्रति ध्यान भी बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का भी मन करता है। यही चतुर्थ का मंगल चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर डालकर दाम्पत्य जीवन को बहुत ज्यादा तहस नहस करने का काम करता है। अपनी पत्नी को, अपने पति को आप बहुत ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अभद्र बन जाते हैं और दिल से आपको बहुत सारी बातें ऐसी निकलती हैं जिनसे आपके बीच में गलतफहमियां बनती हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ससुराल की ज्यादा बुराई करना लड़की से, या लड़की लड़के से उनके अपने पति के यानी कि अपने सास ससुर की बहुत ज्यादा बुराई लड़के के सामने कर दे, जिससे कि कलह का वातावरण बन जाता है, दाम्पत्य जीवन सुकूनमय नहीं हो पाता है। सप्तम दृष्टि दशम पर पड़ती है,
इस दृष्टि से कार्य क्षेत्र में भी व्यवधान करियर को लेकर के चिंता सताएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में जो काम होंगे सब गलत काम होंगे। डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाएगी, इतनी ऊर्जा होगी कि कार्य क्षेत्र में साथ में बैठे व्यक्तियों से अभद्रता कर देना, उनके साथ में जो बात कर रहे हैं उसे स्पष्ट ही नहीं कर पाना कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तो वहां पर गलत फहमियां बन जाती हैं और लोगों से कार्य क्षेत्र में नाराजगी हो जाती है। पिता से भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं और खासकर मेष लग्न में। अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, चतुर्थ के मंगल की जब एकादश पर दृष्टि पड़ती है तो यहां पर जो कमाई होती है, जो आय होती है, वो कहीं ना कहीं सुकून नहीं देती है, संतुष्टि नहीं देती है और गलत खर्चा वो करता है। जो व्यक्ति मंगल चतुर्थ में बैठ करके वाहन इत्यादि खरीदे आय से और वो वाहन नष्ट हो, भूमि खरीदे जमीन खरीदने में फंस जाए, मकान खरीदे तो लॉस हो जाए, कहीं ना कहीं से गलत डिसीजन ऐसा लिपता है, जब व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य करता है तो परेशानी उसके सामने आ जाती है। अब वो परेशानी बहुत सारे नुकसान देती है, अलग अलग लग्नों में अलग अलग नुकसान देती है। यहां पर एक उदाहरण के तौर पर समझाएं आपको तो दाम्पत्य जीवन, क्योंकि मांगलिक दोष सबसे ज्यादा तभी देखते हैं जब शादी करनी होती है और मांगलिक का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे रिश्ते मना कर देते हैं। मांगलिक दोष है फिर तो ऐसा लगता है कि अब तो हमारे, अगर लड़के की कुंडली में होता है तो हमारी लड़की की तो जिंदगी बर्बाद, और लड़की की कुंडली में तो लड़के की जिंदगी तो बर्बाद। तो मांगलिक दोष इस प्रकार से बहुत ज्यादा ही भयभीत करने वाला माने जाने लगा है, लेकिन ऐसा है नहीं। भयभीत आपको होना चाहिए लेकिन इतना नहीं जितना होते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं मंगल दोष 1,00,000 कुंडलियों में से 1-2 कुंडलियों में होता है, क्योंकि पूरी तरह से शास्त्रों में भंग परिहार माना गया है। अब अगर मान लीजिए किसी ने एक लाइन पढ़ ली, किसी नए ज्योतिषी ने, किसी व्यक्ति ने भी, जैसे मैं यहां पर ज्योतिष को कुछ पढ़ाता हूं लोगों को, हमारे पास में आते हैं, तो मैंने देखा कई लोग बोलते हैं इस बात को कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी केवल, मंगल दोष कैसे देखा जाता है। तो मैं बता देता था लोगों को कि विद्यार्थी हमारे बोलते हैं कि बता देते थे कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो मांगलिक हैं, लेकिन जब आगे की लाइनें पढ़ाई कि शनि का भी रोल है इसमें कि भंग कर देता है, गुरु का भी रोल है, राहु का भी रोल है, तो यहां पर देखा गया कि बहुत सारी स्थितियां समाप्त हो गई और उस मंगल दोष को भंग परिहार होने के बाद में और दोनों कुंडलियों की मैचिंग में भी परिहार होने के बाद में शादी बिना मांगलिक से भी हो जाती है। बहुत सारी कुंडलियां मैंने अपने आप में देखी हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 साल से 35 साल आयु हो गई, केवल इस बार इस वजह से शादी नहीं की क्योंकि मांगलिक लड़का नहीं मिल रहा और असल में वो मांगलिक है ही नहीं, अनमांगलिक से शादी करनी चाहिए। इसमें गलती कहीं ना कहीं उन ज्योतिषियों की है, उन पंडितों की है जो सही जानकारी नहीं देते हैं। अगर सही जानकारी आपको मिल जाए तो आपको ये परेशानी होगी ही नहीं। एक बात बता दूं आपको, चंद्र राशि से देखें, लग्न से देखें, कैसे भी देखें आप, लेकिन मंगल दोष समाप्त भी उसी से देखें। अब यहां पर मंगल दोष जिनकी कुंडली में बनता है वो लोग स्वभाव से जिद्दी, क्रोधी और व्यवहारिक ज्यादा नहीं हो पाते हैं, बहुत ज्यादा उनका व्यवहार अच्छा नहीं हो पाता है, तो इससे बातचीत का सिलसिला उनके साथ में अच्छा नहीं जमता है किसी का भी। जो मांगलिक होगा उसका जम भी जाएगा, जिसका मंगल दूषित होगा, पीड़ित होगा, उसका जम भी जाएगा। लेकिन यहां पर विचारणीय बात यह है कि कोई पूजा करने से मांगलिक दोष की समाप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मंगल व्यवहार है और किसी का व्यवहार पूजा से नहीं बदला जा सकता, अपितु खुद परिहार करने से बदला जा सकता है। मंगल की पूजा करने से मंगल दोष नहीं समाप्त होगा, लेकिन मंगल जो परेशानी दे रहा है उसमें कमी जरूर आ जाएगी, लेकिन मंगल
व्यवहार जो आपका है वो पूजा करने से नहीं बदल सकता। व्यवहार तो आपको खुद अपने नेचर को खुद ही बदलना होगा। अब लग्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो लग्न में जैसा कि मैंने बताया रुचक पंच महापुरुष योग बनता है रुचक योग। चतुर्थ में मंगल अगर मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि का होता है तो। अब लग्न की बात कर लेते हैं तो मेष लग्न में मांगलिक चतुर्थ का मंगल ज्यादा सही नहीं होता है क्योंकि नीच का हो जाता है। वही वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न में भी कुछ मंगल सामान्य फल देता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेष से बहुत अच्छा होता है क्योंकि सिंह राशि का मंगल बन जाता है। मिथुन की बात करें तो मिथुन लग्न में कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो जाती हैं क्योंकि कन्या राशि का मंगल हो जाता है चतुर्थ में, तो स्थितियां बहुत खराब रहती हैं। बच्चापन स्थिति और बच्चापन में व्यक्ति बहुत सारे हमेशा प्रॉब्लम से एक दूसरे को प्रॉब्लम में ही डालता है। दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है। अगर हम बात करें कर्क लग्न की तो कर्क लग्न में तुला राशि का मंगल बहुत ज्यादा सही नहीं होता है लेकिन सामान्य स्थितियों में होता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा भोगी बना देता है और बहुत ज्यादा लग्जरी ऐश्वर्य के पीछे भागता है व्यक्ति। लग्जरी लाइफ के लिए भोग ऐश्वर्य और थोड़ा रोमांटिक ज्यादा ही हो जाता है। अगर हम बात करें सिंह लग्न की तो सिंह लग्न में कुछ स्थितियां सामान्य होती हैं लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि का मंगल कुछ स्थितियां सामान्य ही रखता है क्योंकि यहां पर रुचक योग बन जाता है। अगर हम बात करें कन्या लग्न की तो कन्या लग्न में भी स्थितियां कुछ सामान्य रहती हैं क्योंकि विवेक आ जाता है, बुद्धि सही काम करती है, सही दिशा निर्देश पाते हैं व्यक्ति और सही दिशा की ओर मेहनत करते हैं, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखते हैं, जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश भी करते हैं, मेहनत को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। बात करें तुला लग्न की तो तुला लग्न में मकर राशि का मंगल हो जाता है और मकर राशि का मंगल वो भी रुचक योग बना देता है, तो यहाँ पर भी अच्छी स्थितियाँ रहती हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ रहती हैं, इसलिए बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन करियर को लेकर के चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं और क्रोधी बहुत बना देता है, यहाँ का मंगल क्रोधी बहुत बना देता है मकर राशि का। अगर यहीं पर हम बात करें जो कुंभ राशि का मंगल होता है तो कुंभ राशि के मंगल में बहुत सारी स्थितियां बिगड़ जाती हैं, बहुत सारा तनाव रहता है जीवन में और हमेशा कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोग इत्यादि की परेशानी होती है और पत्नी से हमेशा शिकायत रहती है, पति से हमेशा शिकायत रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पर मीन राशि के मंगल की, चतुर्थ में मीन राशि का मंगल अगर होता है तो यहाँ पर बहुत सही स्थितियाँ रहेंगी क्योंकि जल तत्वीय राशि है और गुरु की राशि है और यहाँ पर थोड़ा विवेक से धैर्य से काम लेगा, जो जल्दबाजी की जो स्वभाव है जल्दबाजी का उसमें कमी आ जाएगी, तो स्थितियाँ कुछ सामान्य होंगी। अगर हम बात करें इस मेष राशि का मंगल, मेष राशि का मंगल अगर होता है चतुर्थ भाव में तो मेष राशि का मंगल कहीं ना कहीं स्थितियां ठीक रखेगा, स्थितियां सामान्य रखेगा और बहुत अच्छी भी रखेगा क्योंकि मेष राशि का मंगल रुचक योग बना देगा। अब यहां पर बात करते हैं वृषभ राशि का मंगल होता है चतुर्थ में तो वृषभ राशि का मंगल भी स्थितियां थोड़ा भोगी बनाना, थोड़ा ऐश्वर्य के पीछे भागना, लग्जरी लाइफ के पीछे भागना और थोड़ा रोमांटिक ज़्यादा या थोड़ा हबसी ज़्यादा हो जाता है, अफेयर इत्यादि ज़्यादा होते हैं ऐसे के, ये बना देता है। अगर वहीं हम बात करें मिथुन राशि के मंगल की तो मिथुन राशि का मंगल थोड़ा जल्दबाजी धैर्य की कमी व्यक्ति में और बहुत ही जल्दबाजी प्रवृत्ति का होता है, पत्नी से अभद्रता करना, पति से अभद्रता करना, बातचीत में कभी भी अपनी बात को स्पष्ट ना कर पाना, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी स्थितियाँ, कुछ स्थितियाँ खराब हैं तो कुछ अच्छी भी हैं, तो मांगलिक दोष जहाँ पर अच्छी स्थितियाँ हैं वहाँ पर भंग हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब कोई फल नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर उपाय के रूप में ज़्यादातर ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए,
कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके ठंडे पदार्थों का, जिनका तत्व ठंडा है, ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा और बहुत ही आप इस चीज़ से जो परेशानी आपके साथ में चल रही है उससे आप निकल पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।